पेरिस ओलंपिक में चला नीरज चोपड़ा का जादू, भारत की झोली में डाला सिल्वर मेडल। नीरज चोपड़ा ने 89.45 मीटर का फेंका थ्रो, 26 साल के नीरज ने दूसरे प्रयास में किया सीजन का बेस्ट स्कोर। नीरज चोपड़ा की जीत पर देश में बनी दिवाली, नीरज के गांव में भी जोरदार जश्न। पानीपत में जबरदस्त जश्न का दिखा नजारा, गानों पर तिरकते नजर आए नीरज के फैंस। नीरज की मां का लोगों ने मुंह मीठा कराया, पेरिस ओलंपिक में ऐतिहासिक जीत की बधाई दी। पेरिस से पानीपत तक लहराया तिरंगा, नीरज के घर पर बड़ी संख्या में जुटे फैंस। नीरज के पिता ने जीत को बताया ऐतिहासिक, कहा देश के लिए खूब लड़ा नीरज। अपने देश के लिए खूब फाइट किया, उसने सिल्वर मेडल जीता है, बड़ी खुशी है हमारे लिए कि अभी तक हम ब्रॉन्ज जीते हुए थे, अभी हमने सिल्वर जीता है, पूरे देश में खुशी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी ने नीरज चोपड़ा को जीत की बधाई दी, सोशल मीडिया पर लिखा देश को आप पर गर्व है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नीरज को दी शुभकामनाएं, सोशल मीडिया पर लिखा भविष्य में और भी पदक और गौरव लाएंगे। सोशल मीडिया पर नीरज चोपड़ा के लिए लगा बधाइयों का तांता, गृहमंत्री अमित शाह ने दी शुभकामनाएं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने नीरज चोपड़ा को दी बधाई, लिखा नीरज ने हमें एक बार फिर गौरवान्वित किया। पीयूष गोयल ने अनोखे अंदाज में नीरज को दी शुभकामनाएं, लिखा भारत के छोरे ने लठ गाड़ दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जीत को बताया ऐतिहासिक, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा 140 करोड़ भारतवासियों को आप पर गर्व है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने नीरज को दिया आशीर्वाद, लिखा भारत की शान, गोल्डन बॉय ने बजाया भारत का डंका। हॉकी में ब्रॉन्ज जीतने पर पेरिस में जीत का जश्न, ड्रेसिंग रूम में जमकर झूमे भारतीय खिलाड़ी, टीम के हर खिलाड़ी को 15-15 लाख का इनाम देगी हॉकी इंडिया। पीएम मोदी ने फोन पर हॉकी विजेताओं से की बात, कप्तान हरमनप्रीत को पीएम ने सरपंच साहब कहकर किया संबोधित। सर नमस्कार। नमस्कार सर। गोलकीपर श्रीजेश को पीएम ने दी बधाई, कहा आपको नई टीम करनी होगी तैयार। ओडिशा के पूर्व सीएम नवीन पटनायक ने वीडियो कॉल के जरिए भारतीय हॉकी टीम से की बात, ऐतिहासिक जीत के लिए दी शुभकामनाएं।